हिंदू देवी देवताओं का अपमान। एक मिनट पीछे आओ थोड़ा, भैया जल्दी कर, भैया मोबाइल नान साहब मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंगी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एक वेब सीरीज तांडव शमी भैया था दिखाई जा रही है, उसके खिलाफ जिस प्रकार से उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी धर्म के ऊपर, उनके देवी देवताओं के ऊपर कोई फिल्म बनाना ये एक फैशन बन गया है। लगातार हिंदू समाज इसका विरोध करता है, चाहे इससे पहले भी कई फिल्में जो बनी है उनमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, तब हिंदू समाज ने विरोध किया और चेतावनी दी, लेकिन उसके बावजूद भी यह थमने का नाम नहीं ले रहा। कोई भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए, उसको झगड़े में डालने के लिए वह इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन अभी समाज जो है वो जागृत हुआ है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे इस तांडव वेब सीरीज को उसका विरोध किया जा रहा है, इससे पहले भी कई कलाकारों का विरोध किया गया। हम केंद्र सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई सख्त कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी के धर्म के ऊपर भी कोई टिप्पणी करे और वो बच के निकल जाए और वो बाद में माफी मांग ले। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। इससे पहले भी एक कॉमेडियन कलाकार सिद्दकी, जो गुजरात से था, मध्य प्रदेश में उसने राम भगवान के ऊपर टिप्पणी की, उसके बाद उसकी पिटाई हुई। तो वो कोई भी कलाकार, कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस प्रकार की हमारे धर्मों के ऊपर टिप्पणियां करेंगे और बच के निकल जाएंगे, बाद में माफी मांगेंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। केंद्र सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। जब तक इसके ऊपर कोई सख्त से सख्त कानून नहीं बना, किसी को इसके ऊपर सजा नहीं हुई, तब तक ये ऐसा चलता रहेगा और हमारे लोग आपस में झगड़ते रहेंगे। इसलिए हम केंद्र सरकार से आज ये डिमांड कर रहे हैं कि इसके ऊपर सख्त कानून जो है वो बनाया जाए, ताकि जब इसके ऊपर कार्रवाई होगी तो हर कोई किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से डरेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, कानून बनना चाहिए, यही आज हम केंद्र सरकार से देवी देवताओं का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान। एक मिनट पीछे आओ थोड़ा, भैया जल्दी कर, भैया मोबाइल नान साहब मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंगी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एक वेब सीरीज तांडव शमी भैया था दिखाई जा रही है, उसके खिलाफ जिस प्रकार से उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी धर्म के ऊपर, उनके देवी देवताओं के ऊपर कोई फिल्म बनाना ये एक फैशन बन गया है। लगातार हिंदू समाज इसका विरोध करता है, चाहे इससे पहले भी कई फिल्में जो बनी है उनमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, तब हिंदू समाज ने विरोध किया और चेतावनी दी, लेकिन उसके बावजूद भी यह थमने का नाम नहीं ले रहा। कोई भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए, उसको झगड़े में डालने के लिए वह इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन अभी समाज जो है वो जागृत हुआ है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे इस तांडव वेब सीरीज को उसका विरोध किया जा रहा है, इससे पहले भी कई कलाकारों का विरोध किया गया। हम केंद्र सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई सख्त कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी के धर्म के ऊपर भी कोई टिप्पणी करे और वो बच के निकल जाए और वो बाद में माफी मांग ले। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा।
इससे पहले भी एक कॉमेडियन कलाकार सिद्दकी जो गुजरात से था, मध्य प्रदेश में उसने राम भगवान के पट्टी में निकली, उसके बाद उसकी पिटाई हुई। तो वो कोई भी कलाकार, कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इस प्रकार की हमारे धर्मों के ऊपर टिप्पणियां करेंगे और बच के निकल जाएंगे, बाद में माफी मांगेंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। केंद्र सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। जब तक इसके ऊपर कोई सख्त से सख्त कानून नहीं बना, किसी को इसके ऊपर सजा नहीं हुई, तब तक ये ऐसा चलता रहेगा और हमारे लोग आपस में झगड़ते रहेंगे। इसलिए हम केंद्र सरकार से आज ये डिमांड कर रहे हैं कि इसके ऊपर सख्त कानून जो है वो बनाया जाए, ताकि जब इसके ऊपर कार्रवाई होगी तो हर कोई किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से डरेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, कानून बनना चाहिए। यही आज हम केंद्र सरकार से